अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने सिवा। रेड हेवन पेस्ट्री केक पर दे रहा सबसे बड़ा ऑफर, 3 पेस्ट्री केक पर 1 पेस्ट्री फ्री और साथ ही पाएं 15% की छूट। आज ही पहुंचे जेड हेवन खान मार्केट अस्पताल रोड सिवान। नमस्कार, MLC चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ चुकी है और बता दें कई सारे MLC उम्मीदवार धीरे धीरे करके दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि जदयू और BJP से कौन यहां से चुनाव लड़ेगा इसकी अभी तक उम्मीदवारी घोषित नहीं हुई है। राजद से हालांकि विनोद जायसवाल जी का नाम आ रहा है, लेकिन अब एक इसमें नया नाम और जुड़ चुका है, महबूब आलम जी का। महबूब आलम जी लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं और क्षेत्र भ्रमण के दौरान ही आज यहाँ पहुंचे हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे। महबूब आलम जी, सुनने में आ रहा है कि आप भी MLC चुनाव लड़ेंगे, हालांकि क्षेत्र में भी घूम रहे हैं, अचानक से MLC चुनाव लड़ने का मन कैसे बना लिया आपने? ना, हम लोग तो पुराने लीडर हैं और हम लोग जिला के जो भी लोग हैं सारे लोग जानते हैं और आपको भी मालूम है। और सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देंगे और जितने प्रतिनिधि हमारे जीते हुए हैं जिला के, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। मुखिया हो, सरपंच हो, BDC हो, जो भी हो, सबको मैं धन्यवाद दूंगा। और हम किस छवि के लोग हैं ये तो यहाँ की आवाम जानती है और इसलिए हम कहेंगे यहाँ के आवाम को कि महबूब आलम क्यों। मैं अपने नाम को प्रोजेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मुझे ही वोट दीजिए आप। हम यही कहेंगे कि आप सबको देखिए और जो आपका नेतृत्व अच्छा करने वाला हो, जो काम विकास करने वाला हो, हमारे युवा साथी जितने आज के डेट में पढ़ लिख के और जितने आज जो है बेरोजगार हैं, उनके बारे में हम ही नहीं सबको सोचना चाहिए। और सब लोग बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, मगर मेरा एक वादा है कि अगर ये चुनाव अगर हम जीत गए तो सबसे पहले हम युवा साथियों को वादा करते हैं कि वो जिस टाइम जहाँ चाहे हमको बुलाएं और हमसे जितना बन पड़ेगा मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। आलम जी, कई सारे ऐसे समाज सेवी हैं जो आज पिछले 6 महीने से ज़्यादा से लगातार जनता के बीच घूम रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, तो आप उस बीच जनता की मदद करने नहीं पहुँचे, अचानक से चुनावी मैदान में? देखिए, जनता की मदद करने के लिए आप बताइए कि जनता की मदद किस जगह पे हम नहीं खड़े रहे हैं और कोई ऐसी समस्या है हो जहाँ पे हम मौजूद नहीं हूँ, और किस तरह की मदद आप कहना चाह रहे हैं ये पहले हम जानना चाहेंगे आपके। जो काम सरकार नहीं कर पाता है वो जनप्रतिनिधि करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। कोरोना जैसा लॉकडाउन में बहुत सारे लोग मास्क वितरण कर रहे थे, साबुन वितरण कर रहे थे, राशन का सामान वितरण कर रहे थे, ये काम लोगों के द्वारा किया गया है, इस विषय में हम बात। शायद आपको मालूम नहीं है कि महबूब फाउंडेशन से मैंने कितना काम किया है। यहाँ से लेके पटना बिहार लेवल में मैंने काम किया है, मास से लेके दवा तक वितरण किया है मैंने, और सिवान डिस्ट्रिक्ट में भी मैंने किया है। हमसे जितना बन पड़ा है, हम कोई उद्योगपति नहीं है और हम अपने जितने साथी हैं, जितने प्रतिनिधि जीते हुए हैं, इनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार ज़रूर सोचिएगा मेरे बारे में, उसके बाद से आप फैसला लीजिएगा कि काम हम कब करेंगे ये तो वक्त बताएगा। तो महबूब आलम जी थे जो कि इस बार MLC से चुनाव लड़ेंगे, हालांकि इन्होंने अब घोषणा भी कर दी है, औपचारिक रूप से आज ऐलान हो गया कि MLC का चुनाव लड़ेंगे और साफ तौर पर इन्होंने आज ये कह दिया है कि चुनावी मैदान में होंगे और इन्होंने वोट देने की अपील भी की है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान।